हेलो स्टूडेंट आज हम यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर का एग्जांपल नंबर वन पॉइंट थ्री क्वेश्चन करेंगे देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड है तो आपको ये टॉपिक आना चाहिए फिजिकल क्वानिट कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी है उसके डायमेंशनल फॉर्मले बनाने आने चाहिए तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है लेट एस कंसिडर एन इक्वेशन यहाँ पे एक इक्वेशन दे रही है हाफ एम बी स्क्वायर इज इकल टू एम जी एच ज मास है मास है एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी ग्रेविटी है एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है एच इज इट हाइट चेक वेदर द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट देखिए है ना चेक द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट मुझे ये जो इक्वेशन यहाँ पे गिवन है इस इक्वेशन को चेक करना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है देखिए ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तब मानी जाती है जब अगर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ये जो हाफ एम वी स्क्वायर है इसका डायमेंशनल फार्मूला और एम जी एच का डायमेंशनल फॉर्मुला दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर सेम आ जाता है तो ये डायमेंशनली करेक्ट मानी जाएगी ये क्वेश्चन इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला था कि आपको फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फॉर्मुले बनाने आने चाहिए तो खैर देखिए जैसे यहाँ पे मास लिखा है यहाँ पे, पे वेलोसिटी लिखा है ये जी एच इनका सबसे पहले मैं डायमेंशनल फॉर्मुला कैसे निकाला जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ देखिए इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे जैसे मैंने यहाँ पे मास लिख दिया है यहाँ पे मैंने ये वेलोसिटी लिख दिया है यहां पे मैंने ये एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये और ये और आपका हाइट है तो इनका हम यहाँ पे सबसे पहले डायमेंशनल फॉर्मूला बनाएंगे देखो डायमेंशनल फॉर्मूला बनाने के लिए क्या करते हैं हम ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट बनाते हैं यहाँ पे कैपिटल एम कैपिटल एल कैपिटल टी लिख दीजिए ठीक है कैपिटल एम कैपिटल एल कैपिटल टी इस तरीके से डायमेंशनल फॉर्मूला को इसी तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर आपको डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है तो आपको स्टार्टिंग में इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट बनाना है और ये कैपिटल एम कैपिटल एल कैपिटल टी ऐसे लिख देना है ठीक है अब देखिए इनके ऊपर कुछ पावर्स हमें रेज्ड करनी होती है पावर लिखनी होती है इसका अलग डायमेंशनल फॉर्मुला होगा इसका अलग होगा इसका अलग डायमेंशनल फॉर्मूला होगा तो देखो डायमेंशनल फॉर्मूला बनाएंगे कैसे देखो जैसे ये क्या है आपका एम क्या है आपका मास है ये आपकी एक फिजिकल क्वांटिटी होती है तो वेलोसिटी भी आपकी फिजिकल क्वांटिटी है जी भी आपका फिजिकल क्वांटिटी है एच भी आपका फिजिकल क्वांटिटी है तो जो डायमेंशनल फॉर्मुला होता है वो फिजिकल क्वांटिटी के ही डायमेंशनल फॉर्मले बनाए जाते हैं तो देखो इसका डायमेंशनल फॉर्मुला कैसे बनेगा जो मास होता है मास का जो एसआई SI यूनिट होता है वो क्या होता है के होता है तो केजी केजी किस चीज को रिप्रेजेंट करता है केजी जो है आपका मास को रिप्रेजेंट करता है कैपिटल एम का मतलब मास होता है एल का मतलब लेंथ होता है टी का मतलब टाइम होता है ठीक है तो ये जो केजी होता है केजी किसका ऐसा यूनिट है आपका मास का ऐसा यूनिट होता है ना तो के जी किस चीज को रिप्रेजेंट करता है मास को रिप्रेजेंट करता है तो यहां पे हमें एम के ऊपर पावर वन लिख देना क्योंकि के जी के ऊपर भी क्या है पावर वन है बाकी इनके ऊपर जो लेंथ है इसके ऊपर भी पावर जीरो आ जाएगा इसके ऊपर भी पावर जीरो आ जाएगा अब देखिए वेलोसिटी है ये देखो ये आपका मास का डायमेंशनल फॉर्मला हो गया अब ये जो वेलोसिटी है वेलोसिटी का मुझे डायमेंशनल फॉर्मला लिखना है तो वेलोसिटी का जो एसआई SI यूनिट होता, होता है वो मीटर पर सेकंड होता है अब देखो ये एम का मतलब मास है एल का मतलब लेंथ है T का मतलब टाइम होता है तो ये क्या है मीटर पर सेकंड है तो मीटर किस चीज को रिप्रेजेंट करता है मीटर जो होता है लेंथ को रिप्रेजेंट करता है तो मीटर के ऊपर यहां पे पावर वन है तो यहां पे, तो पे भी लेंथ के ऊपर पावर वन आ जाएगा अब देखिए सेकंड है सेकंड किसको रिप्रेजेंट करता है टाइम को रिप्रेजेंट करता है सेकंड के ऊपर पावर माइनस वन है ना तो यहां पर भी पावर माइनस वन आ जाएगा और इसके ऊपर पावर जीरो आ जाएगा क्योंकि यहाँ ये जो एसआई SI यूनिट है यहां पे कहीं पे भी केजी नहीं आ रहा है मास का मतलब क्या होता है पावर जीरो यूनिट SI होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अब देखो मीटर किस चीज को रिप्रेजेंट करता है मीटर जो है लेंथ को रिप्रेजेंट करता है तो इसके ऊपर पावर वन है तो यहां पे भी पावर वन आ जाएगा ये सेकंड टाइम को रिप्रेजेंट करता है तो इसके ऊपर पावर क्या है निगेटिव टू है तो यहां पे भी निगेटिव टू आ जाएगा

अब देखो ये मैंने सब ये जो मास वेलोसिटी जी एच ये जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी है इनके मैंने डायमेंशनल फॉर्मले यहाँ पे बना दिए अब देखो मैं क्या करूंगा ये हाफ एम वी स्क्वायर को यहाँ पे लिखूंगा ये हाफ एम वी स्क्वायर आपको लिखना है और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला अब आपको बनाना है तो देखो जो वन अपॉइंट टू होता है ये आपका एक कांस्टेंट नंबर है ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है तो इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है डायमेंशनल फॉर्मुला हमेशा फिजिकल क्वांटिटी का होता है एक मास का डायमेंशनल फॉर्मला होगा एक वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मुला होगा तो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने ये बना रखा है तो इसे यहां पे लिख दीजिए एम की पावर वन एल की पावर जीरो टी की पावर जीरो अब ये वेलोसिटी है वेलोसिटी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला बना रखा है तो इसे भी यहां पे लिख दीजिए एम की पावर जीरो एल की पावर वन टी की पावर माइनस वन और देखिए यहाँ पे वेलोसिटी के ऊपर पावर टू भी है तो यहाँ पे भी पावर टू आ जाएगा अब देखिए ये आगे इसे सॉल्व करेंगे तो एम की पावर वन एल की पावर जीरो सॉल्व करेंगे तो एम की पावर जीरो टू इंटू जीरो वन इंटू टू क्या हो जाएगा टू हो जाएगा और ये टू इंटू निगेटिव क्या हो जाएगा निगेटिव टू हो जाएगा ठीक है अब देखिए इसे आगे तो कैसे सॉल्व करेंगे यहां पे m की पावर वन है ये m की पावर जीरो है, पावर है तो जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा जैसे m की पावर जीरो है m की पावर वन है अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो ये बेस तो सेम है ये पावर्स क्या होती हैं ऐड हो जाती है ये जीरो प्लस वन हो जाएगा तो ये फाइनली क्या हो जाएगा m की पावर वन हो जाएगा तो यहां पे आ जाएगा ये m की पावर वन अब देखो ये l की पावर जीरो है या l की पावर टू है तो इन्हें जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इनकी पावर्स को क्या करते हैं ऐड कर देते हैं जो जीरो प्लस टू क्या हो जाएगा टू हो जाएगा अब ये टी की पावर जीरो है ये टी की पावर निगेटिव टू इनकी पावर्स को हमें ऐड कर देना है जीरो प्लस माइनस टू किया जाएगा माइनस हो जाएगा तो ये जो हाफ एम वी स्क्काशनल फॉर्मुला क्या आपको यहां पे मास का डायमेंशनल फॉर्मला निकालना लिखना है पहले फिर जी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है फिर एच का डायमेंशनल फॉर्मुला लिखना है फिर उसे सॉल्व करना है तो मास का डायमेंशनल ये है तो इसे लिख दीजिए एम की पावर वन एल की पावर जीरो फिर जी का डायमेंशनल फॉर्मूला ये है आपका एम की पावर जीरो एल की पावर वन टी की पावर माइनस टू फिर एच का डायमेंशनल फॉर्मूला ये है इसे भी लिख दीजिए एम की पावर जीरो एल की पावर वन टी की पावर जीरो अब देखिए इसे आगे कैसे सॉल्व करेंगे देखो ये यह यहाँ पे एम है एम है एम है तो यहाँ पे एम लिखिए इनकी पावर्स को एड कर दीजिए वन प्लस जीरो प्लस जीरों हो जाएगा वन हो जाएगा पावर वन आ जाएगी यहाँ पे एल लिखना है ये पावर्स जो जो भी इनके ऊपर पावर है एड कर दीजिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वन आ जाएगा ये टी लिखना है टी पावर जीरो है नेगेटिव टू है जीरो है, पावर्स को ऐड कर देना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा नेगेटिव टू आ जाएगा देखो मैंने आपको स्टार्टिंग क्वेश्चन कंप्लीट हो गया मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमें यहाँ पे वेदर द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट ये चेक करना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है ये इक्वेशन तो देखो अगर ये हाफ एम वी स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला और एम जी का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर सेम आ जाता है तो ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट प्रूफ हो जाएगी तो देखो यहाँ पे क्या है हाफ एम बी स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मला ये है और एम जी एच का जो है डायमेंशनल फॉर्मला है तो देखो यहां की पावर वन है यहां पे भी एम की पावर वन है यहां पे एल की पावर वन है यहां पे, पे हमने कहां पे मिस्टेक कर दिया दे। देखो यहां पे मैंने एक जगह मिस्टेक कर दिया ये एल की पावर वन है और ये भी एल की पावर वन है तो ये एल की पावर वन एल की पावर वन क्या हो जाएगा एल की पावर टू हो जाएगा ठीक है सॉरी अब ये एल की पावर टू है ये भी एल की पावर टू है ये टी की पावर है ये भी टी की पावर माइनस टू है तो ये दोनों के दोनों डायमेंशनल फॉम्यूले क्या है सेम है यानी कि दोनों का डायमेंशनल फॉर्मुला अगर सेम आ जाता है तो ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट प्रूफ हो जाती है तो आंसर में आपको लास्ट में लिख देना है द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट अब देखिए ये जो टॉपिक है ना आपका ये जो यूनिट एंड मीजरमेंट है अगर आपको यूनिट एंड मीजरमेंट से रिलेटेड अगर आपको सारे टॉपिक देखने हैं तो उसके लिए मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है वहां से भी आप यूनिट एंड मीजरमेंट चैप्टर को ब्रीफली समझ सकते हैं और वहां पर आपको यह टॉपिक भी मिलेगा और इस टॉपिक के अप्लीकेशन भी मिलेंगे तो अप्लीकेशन में भी अप्लीकेशन में आपके जो है बहुत सारे वहाँ पे यूजेस हैं एप्लीकेशन फिजि फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के जो यूजेज हैं वहाँ पे बताए गए हैं तो उस टॉपिक को जरूर देख लीजिएगा ओके